नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं GDS का। देखिए अभी मेरिट लिस्ट निकल चुका है और सब लोग कंफ्यूज है कि कहां से हम मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपका 10th का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न यही होगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए, कहीं से बना ले क्या? तो बहुत सारे हमें कमेंट आया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए, किसी एरागरा डॉक्टर से बना ले, झोला छाप डॉक्टर से नहीं। आपको क्या करना है, आप जहाँ पे रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है या फिर आपका जो सदर अस्पताल जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रहता है, वहाँ जाना है। वहाँ पर जा करके पहले पर्ची कटाना रहता है, पर्ची कटाएंगे, जैसे हमारा हुआ था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बिहार में पर्ची कटाए थे। कितना, 2-4-5-10% लगा था पर्ची कटाने में, मतलब लाइन लगाना पड़ता है हॉस्पिटल में। पर्ची कटाएंगे, फिर आपका नंबर आएगा, फिर जो भी चेकअप होता है, ब्लड, फिर आई टेस्ट, जो भी चेकिंग होता है, फिजिकल फिटनेस कैसा है नहीं है, उसके बाद जब सब कुछ ओके रहता है, जो भी मेंशन डॉक्टर रहता है, जैसे आँख का अलग डॉक्टर होता है, ब्लड टेस्ट के लिए अलग डॉक्टर रहेगा, तो सब कुछ चेक करके फिर वो सर्टिफिकेट, वो रिपोर्ट चला जाता है आपका जो मेन अथॉरिटी रहता है, जो साइन करता है, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट चिकित्सा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, DHO होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, या फिर ब्लॉक लेवल में बना रहे तो वहाँ पे रहता है BMOH, ब्लॉक मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, ब्लॉक लेवल का जो रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो बेटर होगा। तो ठीक है, तो किसी भी डिस्पेंसरी से भी बना सकते हैं, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहीं भी जा कर के बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जा कर बनाना चाहिए, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जा कर के नहीं, फॉल्सफुली आपको बनाना है। बहुत ये चीज़ चेक होता है, अगर ये चीज़ गलत दे दोगे, कभी कभी आपको रिजेक्शन हो सकता है, तो ये चीज़ आपको गलत नहीं देना है। आपको लगेगा कि ये कौन चेक करेगा, चेक करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है कंपलसरी, और कंपलसरी है तो कंपलसरी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेडिकल सर्टिफिकेट से कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं कर सकते हो, मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तो कोई भी दे सकते हो, मान लो 10th का सर्टिफिकेट या 10th का एडमिट कार्ड, किसी से भी प्रूव हो जाएगा, लेकिन हेल्थ सर्टिफिकेट तो एक ही चीज़ बनाना पड़ेगा ना, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक में जा कर के देख सकते हो, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे फिटनेस सर्टिफिकेट है, नहीं तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे देंगे। इस तरह का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है तो बना लीजिएगा, ठीक है, साइन करवाना रहता है। पदाधिकारी गैजेटेड डॉक्टर होना चाहिए, गैजेटेड डॉक्टर, चाहे ए ग्रुप का हो चाहे बी ग्रुप, चाहे ए क्लास का हो या बी क्लास का, गैजेटेड डॉक्टर होना चाहिए, किसी फालतू डॉक्टर से नहीं कराना, नहीं तो वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं रहेगा। और आपके पास 10-12 दिन टाइम है, आराम से जा करके 3 सितंबर से पहले तक जा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी, देखो जन्माष्टमी है, फिर सैटरडे है, ये सब सैटरडे को छुट्टी रहता है, मतलब SP IP छुट्टी पे रहते हैं, तो आपको खाली टाइम में जैसे मंडे ट्यूसडे सबको जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके ही जाना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हो, बार बार बोल रहे हैं कि मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके ही जाना है, और किसी फालतू डॉक्टर से नहीं साइन कराना है, किसी से भी पूरा सही साइन कराना है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से साइन कराइएगा, सदर अस्पताल डायरेक्ट जाना है, सुबह जाइएगा, 10 बजे लाइन पर्ची 10 बजे पर्ची कटाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, वही फॉर्मेट पे साइन करवाना है। ठीक, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और रेगुलरली इस तरह से वीडियो आता रहेगा, आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे, जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता तब तक इस तरह से वीडियो आता रहेगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, नमस्कार।